लेकिन राधे राधे, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हमारी रूटीन पूरा होने के बाद हम आ गए हैं किचन में। तो आज कुछ खास रेसिपी आप सभी लोग के लिए लेकर हम आए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड बेसन के बर्फी। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। बेसन की बर्फी बनाने के लिए फ्रेंड हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें बेसन चाहिए। तो हमने ले लिया है बेसन और हमने ये ले लिया है घी। तो ये दोनों बेसन और घी ले लिया हमने फ्रेंड। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई चढ़ाने से ऑन कर देते हैं। तो ये हमने घी डाल दिया और बेसन फ्रेंड कढ़ाई में, देखिए। तो बेसन और घी को फ्रेंड चलाते रहना है, अच्छे से इसको भूनना है। पहले घी जैसे हमने रख लिया है लाके और भी साइड से, इसे कम लगे फ्रेंड तो थोड़ा सा घी अपन और डाल देंगे इसमें, अच्छा बेसन का कलर हो जाए। मध्य तेज गैस करके अपन को बेसन को सेकना है। इसकी बर्फी बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड, जैसे होली का त्यौहार आ रहा है तो इस त्यौहार पे बर्फी, अपन मिठाई नहीं भी बाज़ार से लगाए हैं तो ये बर्फी भी अपन मिठाई दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बेसन को अपन सेकते रहेंगे। बेसन को और भी सेकेंगे, अभी बेसन नहीं सिका है। बेसन सिकने पर बेसन का कलर ब्राउन हल्का सा होगा, जब तक इसको चलाते रहना है और इसको सेकेंगे अच्छे से बेसन को। बहुत ही टेस्टी बर्फी बन के तैयार होता है बेसन का। इस बर्फी को फ्रेंड हम लोग व्रत में भी यूज कर सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बेसन का है ये। जैसे बहुत लोग गुरुवार के व्रत में भी ये यूज करते हैं, बेसन का हलवा या बर्फी बना के रख लेते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रहता है ये। अभी तो हम होली के त्यौहार पे बना रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है बर्फी। हमारे घर में सभी को पसंद है बर्फी, इसीलिए हम ये बना रहे हैं। हमें और घी नहीं डालना है क्योंकि हमने अच्छे से घी डाल दिया है। अच्छे से घी में बेसन सेकने का अलग ही टेस्ट आता है फ्रेंड, बहुत ही टेस्ट लगता है, टेस्टी लगता है, बन के तैयार हो जाता है। देखिए जैसे आपको हम दिखा रहे हैं कि हमने अच्छे से देसी घी का हमने यूज किया है फ्रेंड, इसमें देसी घी हमने इस्तेमाल किया है। ये देखिए इसको चलाते ही रहना है क्योंकि नहीं चलाएंगे यदि तो नीचे से लग जाएगा, तो इसको हमेशा पलटा से चलाना ही है। मध्य तेज गैस पर करके इसको चलाते ही रहना है। और इधर ये गैस का थोड़ा स्लो कर देते हैं और दूसरी तरफ हम कर लेते हैं इसके लिए सीरा। तो फ्रेंड हमने ये ले लिया है शक्कर, तो शक्कर को हम एक गंजी में डालेंगे और इसी के आधा नाप का पानी लेंगे। इसी के नाप का हमने ले लिया पानी क्योंकि हमें चाशनी को ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसीलिए हम ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे। तो चाशनी को ज़्यादा फ्रेंड चाशनी को गाढ़ा नहीं करना है, शक्कर घुल जाए बस एक तार सा बनने लगेगा, ज़्यादा पतला नहीं करना है। इधर हमारा बेसन सिक रहा है, थोड़ा अभी और सिकेगा ये। तो चाशनी में फ्रेंड हम डाल रहे हैं इलायची, आधा चम्मच के आसपास इलायची है, तो ये हम चाशनी में डाल रहे हैं।
ज़्यादा हम यदि चाशनी को फ्रेंड गाढ़ा कर लेंगे तो इससे हमारी बर्फी हो जाएगी टाइट, यानी कड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा हमें चाशनी को नहीं पकाना है। जैसे कि अभी हमारा शक्कर नहीं घुला है इसलिए इसको अभी हम चला रहे हैं फ्रेंड। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि चाशनी हमारी ज़्यादा तार वाली ना बन जाए, वरना बर्फी क्या होता है फ्रेंड, कड़ा सा हो जाता है, फिर वो खाने का टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा हो लगता है। तो हमने गैस थोड़ा सा मंदा कर दिया है और बेसन को अच्छा कलर आ गया है। इधर हमारी चाशनी हो रही है तैयार। पाँच मिनट भी नहीं पकाना है फ्रेंड हमको शक्कर को। तो हमारी चाशनी हो गई है रेडी फ्रेंड, देखिए। ये देखिए एक तार बन रही है बस, एक तार बन रही है बस, ये इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। अब इस चाशनी को हम क्या करेंगे, इस बेसन में मिला लेंगे जो हमने सेक के रखा है। इसमें हमने मिला लिया है सीरम। अब एक प्लेट पर इसको हम प्लेट के नीचे घी लगाकर फ्रेंड इसको हम उल्टा देंगे। देखिए फ्रेंड जैसे ही बेसन को हमने फैला दिया है, इसके ऊपर से फ्रेंड हम डालेंगे जैसे कि हमने इसमें काट कर बारीक रख लिया है काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी है, नारियल का किसा हुआ है, ये सब हमने मिलाकर इसके ऊपर हम डालेंगे। अब गर्म ही डालेंगे फ्रेंड तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा इसमें। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए 10-15 मिनट के लिए फ्रेंड, फिर इसमें हम थोड़ा सा गर्म में ही हम इसमें कट लगाएंगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम कट लगाते हैं। तो फ्रेंड हमने हमारा ये हलवा हो गया है ठंडा थोड़ा, तो हमने इसमें कट ऐसे लगा दिया है, ये देखिए जैसे कि इसमें हमने बीचों बीच से ऐसे कट लगा दिया था ये। अब इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड, एक एक पीस इसको ऐसे ऐसे अलग अलग करके निकाल लेंगे। थोड़ा सा अच्छे से और कट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने गरम में हल्का सा चाकू को लगा दिया था, तो ये हल्का सा और लगा लेते हैं। बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी बनके ये मिठाई होती है तैयार, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड कि गर्म में ही थोड़ा सा चाकू लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर ठंडा हो जाने पर ना चाकू सही से ये पीसेस नहीं हो पाते हैं। ऐसे सभी में हम अच्छे से और चाकू लगा दिए, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड ये बड़ी ही आसानी से ये देखिए बनके है तैयार मीठा हमारा। तो ऐसे सारे पीस ऐसे निकाल के ये देखिए फ्रेंड, ऐसे सारे पीस निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड है ना हमारी बर्फी बन के तैयार। ऐसे सारे पीसेस भी बहुत अच्छे से निकल जाते हैं फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये देखिए बहुत अच्छे बहुत ही आसानी से सारे पीसेस हो जाते हैं।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होता फ्रेंड। देखिए बहुत यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में ये। ये देखिए फ्रेंड बहुत ही टेस्टी बन के हो गया है रेडी। तो हमारी बर्फी की वीडियो कैसी लगी आपकी? आपको यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे बेसन की बर्फी कैसी लगी आप सभी लोग को। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कुछ कमी लगे हो तब भी कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, ताकि हमें ऐसा अच्छा लगेगा कि आप हमारे अपने जो हमें कमेंट करके बता रहे हैं। और प्लीज़ फ्रेंड तो फिर हम इसी के साथ अपनी वीडियो बंद करते हैं और न्यू वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। जब तक के लिए बाय फ्रेंड।